हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया, सबसे पहले जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, लोकतंत्र में तो ये होते रहता है कि जजेस अपनी राय रखते हैं। कभी तीन बेंच की मेंबर होती है तो दो एक तरफ और एक दूसरा तरफ। ये जब दो जज बेंच होते हैं तो उसमें ये खतरा तो होता ही है कि इसमें विभाजन हो जाए तो फिर वो मामला फिर बड़े बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। तो मैं इसको किसी तरीके से कोई हमारे लिए कानूनी ठेस पहुंचाए ये ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये साधारण होता है और हुआ है। थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जी न्यूज से बात की है, ये जो हिजाब से जुड़े हुए, हिजाब विवाद से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं, क्योंकि बीते दिनों में स्वामी सर बहस छिड़ी और हमारा और आपका भी संवाद हुआ कि हिजाब असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, राइट टू चूज, राइट टू चॉइस, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रैक्टिस कल्चर, आर्टिकल 14 का जिक्र और आर्टिकल 19 का जिक्र जस्टिस दुलिया ने भी किया। मैं आपको सुनवा रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी आपके प्रिय मित्र हैं, वो क्या कह रहे हैं और उस पर मैं चाहूंगी, क्योंकि आप खुद भी इतने सीनियर एडवोकेट हैं, आप उन दलीलों पर क्या कहेंगे, एक एक करके मैं आपको सुनवा रही हूं, सुनवाए। जो हाईकोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वॉज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और इट हैड मिसयूज कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। This has serious ramification, should not have been allowed. स्वामी सर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बैड इन लॉ था और साथ ही कह रहे हैं कि कुरान का जो इंटरप्रिटेशन था, व्याख्या थी, वो गलत तरीके से हुई थी। आपका जवाब? वो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, वो सिर्फ गाली दे रहे हैं, इसमें मैं क्या जवाब दूंगा। लीगली वो गलत पर था। जो मूल बात है, जो मूल बात है उसमें तो नहीं गए। मैं पूछने चाहता हूं कि ईरान में महिलाओं ने आकर अपनी गोली चलाने के लिए भी गोली, इतने लोग मरे हैं अभी तक, 700-800 महिलाओं की गोली से वो मारे गए क्योंकि वो रोड में आकर कहा कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। तो और ये जो बार बार कहा जाता है कि सरदारों के लिए तो आपने पगड़ी छोड़ दी, दाढ़ी छोड़ दी, बट ये मुसलमान को क्यों नहीं? क्योंकि सरदारों का तो उनकी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि सिख को कड़ा पहनना चाहिए, दाढ़ी को बनाना चाहिए और पगड़ी पहनना चाहिए। और यहाँ हिसाब दिखा, यानी हिजाब के बारे दिखाइए कहाँ लिखा है कि ये अनिवार्य है। कुरान में नहीं है, हदीत में नहीं है, सिरा में नहीं है। तो ये असदुद्दीन से पूछे कि कहाँ लिखा है कि हिजाब उनके ग्रंथों में लिखा है। हिजाब है ही नहीं, ये तो इनकी बनाई हुई है महिलाओं को गुलाम करने के लिए। और हम नहीं कहते कि हिजाब नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं लगा सकते, परंतु स्कूल में यूनिफॉर्म है, कॉलेज में एनसीसी में जब जाओगे तो वहाँ आपको हिजाब नहीं पहन सकते, आप मिलिट्री में शामिल होंगे तो नहीं पहन सकते, आप नर्स बनोगे हॉस्पिटल में नहीं पहन सकते हो। तो जहाँ यूनिफॉर्म है जो सबके ऊपर लागू होती है वो उसमें हिजाब का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, मैं आपको सुनवा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि कर्नाटक में लड़कियां हिजाब इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान के जरिए अल्लाह ने उनसे ऐसा करने को कहा। सुनिए। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही है इसलिए पहन रही है क्योंकि कुरान में अल्लाह सुबहाना तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। वो कह रहे हैं खामखा रक्कस क्रिएट किया गया है। स्वामी साहब वो कह रहे हैं कि कुरान में इसका जिक्र है और लड़कियां तो बस उसका पालन कर रही हैं। देखिए, ओवैसी तो मोहम्मद नहीं है, ये कहते हैं कि कुरान में लिखा है, दिखा दो कहाँ लिखा है। यही तो मेरा चुनौती तो यही है, आप उनसे पूछिए कि कहाँ लिखा बताओ। कुरान को छोड़िए, सिरा में लिखी है या जो दूसरा बुक है इसमें, उसमें लिखी है, इन किसी में नहीं है, किसी तीन ग्रंथों में हिजाब का कोई उल्लेख नहीं है।
लेकिन एक एक दलील जो वो दे रहे हैं स्वामी सर, वो ये कह रहे हैं जब कर्नाटक हाईकोर्ट में ये मामला गया तो वहां पर जो कुरान की व्याख्या थी या जिन अंशों को वहां पर कोट किया गया वो जो थे गलत तरीके से उसकी व्याख्या की गई, उसकी वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो आया। वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आप सुनिए और उस पर फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगी। जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इट वॉज बैड इन लॉ और उसके कंटेंट में भी वो खराब था और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला अखराफिद दीन के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो वो कह रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में हिजाब था ही नहीं, हिजाब को उस कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया गया कर्नाटक हाईकोर्ट में जब इस पर जिरा हुई। तो देखिए वो तो इसीलिए तो अपील में जा रही है क्योंकि ये ऐसा होता है। ये तो मैं नहीं जानता कि जो उन्होंने क्या, उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया, कोई ग्रंथ का जो पैराग्राफ्स है उसके बारे में जिक्र नहीं किया, कहां लिखा है कुरान में कि हिजाब पहनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के तीन जजेस ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब की जरूरत ही नहीं है, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल को एक जेल बताया था। ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को, और उस जजमेंट में ये कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के तीन जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। लेकिन यहाँ पर स्वामी सर अगर हम इस पूरे मामले को देखें और जस्टिस धुलिया की भी बात करें तो जस्टिस धुलिया ने कहीं भी हिजाब को, और आपने वो ऑर्डर देखा होगा, आपके पास वो उस ऑर्डर की कॉपी भी रही होगी, उन्होंने ये जरूर कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को इस सवाल में जाने की जरूरत नहीं थी कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डिक्लेयर नहीं किया। नहीं वो तो ठीक है, ये तो बहुत अनिवार्य है कि किसी चीज़ को कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमारी धर्म है तो हमें पूछना पड़ेगा। जैसे मस्जिद है, मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता, तोड़ा जा सकता है क्योंकि वो कुरान का या इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और अरबिक देशों में मस्जिदों को तोड़ते रहते हैं सड़क बनाने के लिए। आप कोई भी जाकर गूगल में जाकर कहिए कि अंग्रेजी में डिमोलिश्ड मॉस्क्स इन टर्की, और आपको बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी। सऊदी अरेबिया के लिखिए एक और लिस्ट मिलेगी। ये सिर्फ ये जो रूढ़िवादी लोग हैं वो तो सब हिंदुस्तान में हो गए, अब वहां सब वो आगे बढ़ रहे हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि जो भी वैसी कहते हैं उसको कोई आप वेदवाक ना समझे और उसको छानबीन करनी है, तो मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में गया हमारी लोकतंत्र के कारण, अब इसको तीन बेंच या पांच बेंच की बैठक होगी और वहाँ फाइनल फैसला होगा। मेरी राय में हिजाब का कोई जगह नहीं है जहाँ स्कूल में यूनिफॉर्म है। वो स्कूल आते तक हिजाब पहन सकते हैं और गेट से बाहर निकलते समय हिजाब पहन के जा सकते हैं। अच्छा थोड़ी देर पहले वो जी न्यूज़ के साथ थे, उन्होंने ये कहा और मैं इस पर आपसे, आपने भी कहा ना कि छानबीन करनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसीलिए आपको बुलाया, इसीलिए उनके रिएक्शंस भी, ताकि ये ना कहा जा सके कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और आपके ओपिनियन भी, दोनों ही पहलू हम यहाँ जी न्यूज़ पर चला रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रैक्टिस कल्चर जो है ये दरअसल अनफेटर्ड राइट्स हैं, इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं की जा सकती। आप उस पर क्या कहेंगे? अरे मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगा हुआ है तो हिजाब पहनने पर नहीं लग सकता? जहां वो कहते हैं कि हमारा मूलभूत अधिकार है बोलने के लिए, परंतु तो उसमें यह भी लिखा है कि सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस,
तो मैं ये कहता हूँ कि कैसा हो सकता है कि हिजाब पर कोई अंकुश ही नहीं होगी, कोई ये नहीं होगी, हिजाब कहीं भी पहन सकते हो, ये सारी चीज़ें वो ऐसे ही बोलते हैं, ये गप्पा मार रहे हैं। वो बहुत चालाक आदमी है, वो ज्ञानी है, उसको पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, तब भी वो तुम आपको गुमराह करने के लिए ऐसे बोलते हैं। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी कोई भी राइट कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट नहीं है। एवरी राइट व्हेन आई से एवरी राइट, वेदर इट इज राइट टू चूज, राइट टू चॉइस, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रैक्टिस माई कल्चर, करेक्ट, ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में कवर्ड होते हैं। करेक्ट, फुल मार्क्स फॉर यू। थैंक यू, दैट्स गुड टू गेट फुल मार्क्स फ्रॉम समवन लाइक यू। आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वो बार बार ये भी कह रहे हैं जो माइनॉरिटीज के, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड है, उसमें भी दखलंदाजी है। तो ये तो आरोप लग गई ना, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई वाद विवाद करने के लिए भी जगह नहीं है। कौन सी में हुआ, कैसा हुआ, ये सब बताना चाहिए ना। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज भी मैं किसी से ज़्यादा अब डिबेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो आते हैं अनाप शनाप बदलते बदलते, बट ये इसको मैं मानता हूँ, ये पढ़े लिखा आदमी है, ये ज्ञानी है, और इसके साथ डिबेट करना तो मैं कभी भी तैयार हूँ। अच्छा, उनकी जो मेन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो ये कह रहे हैं कि मुझे राइट टू प्रैक्टिस माय कल्चर, ये राइट तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और हम तो डाइवर्स, वी आर नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर क्लासरूम में वो डाइवर्सिटी दिखती है तो उसे यूनिफॉर्मिटी के नाम पर खत्म नहीं किया जा सकता, उनकी दलील ये है। नहीं, वो तो दलील हो गई ना, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हम तो इतना ही कहते हैं कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। आप स्कूल जाते हैं, आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो यूनिफॉर्म सबका एक होना चाहिए, किसी एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट में फ़र्क नहीं दिखना चाहिए। एक सिल्क में आए, कोई सैटिन में आए, ये नहीं हो सकता है। वो स्कूल यूनिफॉर्म एक दुकान से खरीदना पड़ता है और सब एक लगते हैं, वही आइडिया है। तो उस समय ये सारे रूल्स बने हैं। अब उसको पसंद नहीं है तो दूसरा स्कूल चले जाओ, या कोई मुसलमान की स्कूल में चले जाओ, वहाँ तुम जितना हिजाब पहनना पहन लो। लेकिन उसमें तो वो कह रहे हैं, ये भी कहते हैं कि जो हिंदू बच्चियां हैं वो सिंदूर लगाकर आ सकती हैं, मंगलसूत्र पहनकर आ सकती हैं, तो मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर क्यों नहीं आ सकती? फोटो दिखाएं, फोटो दिखाएं कि क्लास में वो सिंदूर लगा के बैठे हैं। थैंक यू सो मच स्वामी सर।